साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना तारुफ कराया दिया एक्स रेडियन, तो मैं भी एक्स रेडियन हूँ। 2004 से 2008 तक यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की। इट्स बीन अ डेकेड कि मैं फील्ड में एक्चुअल क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट्स आ रही हैं वो स्टडी कर रहा हूँ। और जरूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड में मैं काफ़ी देर मैंने सर किया ग्रीन बैंकिंग में, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हम देखते थे कि कौन सी ऐसी मिटिगेशन अडॉप्शन स्ट्रेटजीज हैं जो हम फाइनेंस कर सकते हैं फार्मर्स को कि वो अडॉप्ट जो है उसको करें। तो आज का जो टॉपिक है द क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, तो रियलिटी यही है कि इट्स अ वेरी बिग थ्रेट। जब हम पढ़ते थे तो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट के दैट क्लाइमेट चेंज विल हैपन, बट दैट्स नो लॉन्गर द केस। नाउ वी आर सीइंग द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द फील्ड। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं करता, करीब की बात करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो 2020 में हमने वाइल्ड फायर्स देखी यहाँ पे, तो 210 इवेंट्स ऐसे हुए बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर जो वाइल्ड फायर्स यहाँ पे हुई। और बलोचिस्तान में केपीके में जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने खुद अपने एक डॉक्यूमेंट में जो है रिपोर्ट किए। फिर हीट वेव हम देखें तो अभी डॉक्टर अदनान ने भी ये बात की कि जो लास्ट जो मार्च एंड अप्रैल था दैट वाज जो है इन द हिस्ट्री ऑफ द क्लाइमेट टेम्परेचर रिकॉर्ड जो है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट मंथ्स एवर सिंस 1916 पाकिस्तान जो है वो रिपोर्ट हुई। तो इस हीट वेव्स का जो नुकसान हुआ हमारी वीट की यील्ड के ऊपर, कहीं पे किसी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 20% को रिपोर्ट किया गया, किसी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 30% जो है वो लॉस जो है वो रिपोर्ट किया गया। सेम केस विद मैंगोज, मैंगो की क्रॉप के ऊपर जो है वो हीट वेव्स ने इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो हमने देखा कि पाकिस्तान 110 मिलियन US डॉलर जो है वो कमाता है मैंगो की एक्सपोर्ट से, लेकिन जो डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ दैट इज 30% डिक्लाइन इन द मैंगो यील्ड बिकॉज ऑफ हीट वेव। फिर हमने आगे अगर थोड़ा सा मूव करें तो हमने ये फ्लड्स देखे जो डेवेस्टेटिंग फ्लड्स जिसने मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ क्रॉप जो है वॉश अवे कर दिए और फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अगर हम 2023 के की भी बात करें तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट मंथ में हमने देख लिया एक क्लाइमेट इवेंट कि जो कोरा पड़ा और उसने जो है वो पोटैटो के फार्मर्स की यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर की है। इसी तरह एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रिपोर्ट हुआ कि देयर इज 23% लॉस इन द पोटैटो यील्ड पंजाब के जो पोटैटो ग्रोइंग एरियाज है वहां पे। तो हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। बिसाइड्स दिस के हम जब मैं रिसर्च की तरफ जाता हूँ तो वी हैव अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। अभी इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे साइंटिस्ट आए होंगे और उन्होंने बहुत सारी रिसर्च भी यहाँ पे पेश की और एवरीबॉडी हैव अ सॉल्यूशन। जब 2020 में मैंने देखा कि एक्सटेंसिव रेनफॉल्स हुई और शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में मैं था और बहुत सारे फार्मर्स ने वो खेतों में पानी खड़ा होने की वजह से जो है वो गंदम की फसल काट के बतौर चारा जहाज जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी। और जब मैं वहीं पे थोड़े किलोमीटर दूर जब अडॉप्टिव रिसर्च सेंटर पे जब मैंने विजिट किया, उन्होंने रेज बेड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो कल्टीवेशन की हुई थी। और जब रेज बेड टेक्नोलॉजी के ऊपर वो कल्टीवेशन की हुई थी गंदम की फसल की, तो जितना वो एक्सटेंसिव रेनफॉल का पानी था वो सारा का जो है वो फरोश में जो है वो लीच डाउन हो गया और गंदम जो है नुकसान से बच गई। एक चीज जो बहुत सारे साइंटिस्ट लिखते भी हैं अपने रिसर्च में कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो वेदर पैटर्न्स जो है वो चेंज हो गए। और ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप ही अपने जो टाइम आपने गुजारा आप सिर्फ ऑब्जर्व करें इस चीज को कि हम दिसंबर को प्रिडिक्ट करते थे दिसंबर लाइक दिसंबर एंड अम्ब्रेला दिसंबर, ये भीगा भीगा दिसंबर है, लेकिन अब वो भीगा भीगा दिसंबर नहीं है। तो मेरे पास जो डाटा मेट डिपार्टमेंट से लिया गया है 2003 से ऑनवर्ड जो है पाकिस्तान में दिसंबर भीगा भीगा नहीं है और इसका इम्पैक्ट जो है वो रबी की क्रॉप के ऊपर जो है खासतौर पे जो मेजर स्टेपल क्रॉप है वीट उसके ऊपर जो है वो देखा जा सकता है। और जो रेनफॉल के पैटर्न शिफ्ट हुए खासतौर पे ये दिसंबर की रेनफॉल जो मार्च और अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल में आई और इतनी एक्सटेंसिव रेनफॉल जिससे जो है वो और विद विंड शॉट्स जिससे वो विंड लॉजिंग भी कहीं पे हमने देखी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट
कहीं पे हमने ये देखा कि एक्सटेंसिव रेनफॉल की वजह से जो है वो फसल को जो है और उसकी पैदावार को जो है वो नुकसान पहुंचा। तो मैं ये बात कर रहा था कि रिसर्च में जब मैं रिसर्च के पास जाता हूँ, ये क्लाइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट में यहाँ पे मेरी मीटिंग भी थी कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे जो है वो साइंटिस्ट ने बहुत सारी जो है वो इनोवेशन, बहुत सारे जो है इवन रिन्यूएबल अप्लाइड न्यू एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इन द पाकिस्तान, और बहुत सारे नाउ वी हैव द सोलर पावर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वाटर स्केर्सिटी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन है, बहुत सारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर रहे हैं और बहुत सारे, बट द मेन प्रॉब्लम इज, जो मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे, दैट रिसर्च फाइंडिंग जो है हमारी इधर ही रिसर्च, अभी मैंने आज सुबह आते हुए एक चीज काउंट की कि मुझे जो लास्ट थ्री मंथ्स में जो इन्विटेशन आए हैं कि इधर कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे आप आके बात करें, तो दीज आर 17 इन्विटेशन दैट आई हैव, बट अगेन जो कॉन्फ्रेंसेज होती है सोल्यूशन प्रेजेंट होते हैं दैट एंड विद द क्लैप और विद अ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी और जर्नल, बट द मेन प्रॉब्लम इज के उस वक्त तक क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली के से बचाव के लिए जो इकदाम साइंसदान जो जो है वो इनोवेट करते हैं या जो रिसर्च करते हैं, जब तक वो रिसर्च जो है वो एंड यूजर्स तक मुंतकिल नहीं होगी उस वक्त तक जो है इसकी अडॉप्शन जो स्मॉल फार्मर है। नेक्स्ट स्लाइड, मैं ये तकरीबन मैंने 3 जिलों में ये डाटा लिया, कुछ जो है वो क्लाइमेट एक स्टडी थी जिसमें हमने जो है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर फार्मर्स की नीड असेसमेंट करने के लिए की, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मैंने जो है वो इनलिस्ट करवाई रिसर्च इदारों से, जाके जब फार्मर से बात की तो अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इज के 89% एंड ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर अनअवेयर फ्रॉम दीज ऑल टेक्नोलॉजीज, तो देयर इज अ नीड अगर हमने क्लाइमेट चेंज को अडॉप्शन और मिटिगेशन के ऊपर काम करना है, we must have to transfer these all technologies using the innovative agriculture extension approaches and agriculture extension techniques to the end users, and this is not only the matter sharing back the outcomes and benefits of research is not the matter of ethics, it's crucial for the sustainability of the ongoing and future researches. Thank you very much.